मैया योजना से वोट पर प्रभाव पड़े, गाँव के क्या मुद्दे हैं जिनको लगता है कि उस पर जो है वोट पड़े। योजना क्यों लगा? विधानसभा का चुनाव का आगाज हो चुका है, आप लोग संगठन में भाग लेने आए हैं, क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी राज्य? इस बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है और हम सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीत करके सरकार में आएंगे और जो भी वादा सरकार ने जनता के साथ सरकार बनाने के बाद हमारी पार्टी ने किया है शत प्रतिशत रूप हम लोग वो पूरा करने जा रहे हैं, ऐसा भरोसा अभी से जनता के मन में दिखाई दे रहा है और जनता भी परिवर्तन के मूड में है, निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा और सरकार हमारी बनेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि मैया योजना के कारण जो है जितने भी महिलाएं सभी उनके पक्ष में है और उनको वोट देने के लिए तैयार है, क्या लगता है कि मैया योजना से वोट पर प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, आप हमारे क्षेत्र में घूम करके देखिए, लोगों को ये समझ में आ चुका है कि ये 1000 रुपया दे करके सरकार उनके आर्थिक जीवन में कोई बदलाव नहीं लेके आने वाली है। सभी लोग वहाँ पे रोज़गार की मांग कर रहे हैं, सभी चाहते हैं कि झारखंड को इंडस्ट्रियल हब बनाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार पैदा किया जाए। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए सशक्त है और आगे की फ्यूचर प्लानिंग करके रखी हुई है। यदि हमारी पार्टी की सरकार बनती है तो हमारा जो क्षेत्र पड़ता है वो औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित होगा, ऐसी हमारी पार्टी की संकल्पना है आगे चलकर। आपकी जो पार्टी है वहाँ पर तो 10 साल से विधायक हैं भाजपा के, क्या कुछ विकास हुआ है जो आप कह रही हैं कि जो बेहतर रूप से इंडस्ट्रियल हब बनेगा? देखिए विकास की यदि परिभाषा है, आप आज से 10 साल पहले के साहिबगंज को देखेंगे और अभी को देखेंगे तो काफ़ी बदलाव हुआ है। ऐसा कई क्षेत्र है जो दूर सुदूर के क्षेत्र, पहले वहाँ सड़कों की कनेक्टिविटी नहीं थी, गाँव में कई ऐसे दियरा क्षेत्र है जहाँ सड़कों से लोग जा नहीं पाते थे, पक्की सड़क नहीं थी उस क्षेत्र में, बिजली की भी समस्याएं रही है, लेकिन बीते 10 सालों में वहाँ के क्षेत्रवासी लोग कम से कम बिजली की समस्या को पूरी तरह से भूल चुके हैं। वहाँ पर बिजली 22 घंटे रह रही है अभी के समय में, सड़कों का जाल बिछा है, दूर सुदूर गाँव में भी रोड की कनेक्टिविटी बढ़ी है, गंगा पुल बनने जा रहा है, बंदरगाह का निर्माण हो चुका है, डेयरी प्लांट खुले हैं और भी ऐसे कई काम हैं जो वहाँ धरातल पर दिखाई देता है। मैं वहाँ की निवासी हूँ, मुझे पता है, आप भी जाएंगे तो आप देखेंगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है इस बार जो चुनाव होगा विधानसभा का, महिलाओं के क्या मुद्दे हैं जिनको लगता है कि उस पर जो है वोट पड़ेगा? देखिए महिलाओं का सबसे बड़ा मुद्दा है उनको सुरक्षा मिले। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को आप देखेंगे और JMM का जो कार्यकाल रहा है इसमें महिलाओं की सुरक्षा के जो आंकड़े पेपर और पेन पे दिखाई देते हैं और जो आंकड़े दिखाई भी नहीं दे रहे हैं वो स्थिति काफ़ी भयावह है। महिलाओं को लेकर झारखंड प्रदेश जितना सुरक्षित पहले महसूस करता था अपने आप को, पिछले 5 साल की सरकार में उन्होंने बिल्कुल ये करना बंद कर दिया है। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए हमारी सुरक्षा का है और इसी मुद्दे पर हम भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रहे हैं। गरिमा साह जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी साहेबगंज। क्या नाम है मैडम? डॉक्टर अमिता रक्षित, ex-mayor दुमका। क्या लग रहा है इस बार जो चुनाव होगा क्या भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सरकार बनाएगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है। पिछले बार जो हेमंत सरकार ने जो वादा करके जो मैनिफेस्टो में जो वादा किए थे वो उस मैनिफेस्टो का एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया, जनता जान गया है और विशेष करके महिलाओं लोग अभी तो कमर कस लिया है। वर्तमान में भाजपा की सरकार बनेगी और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के विधायक हम लोग भेजेंगे। नहीं, JMM का गढ़ नहीं है, कौन बोलता है JMM का गढ़ है? कहकर दुमका से डॉक्टर लुईस मांडी जीता है और वर्तमान मुख्यमंत्री को हरा कर जीता है। अधिकतर तो जीती है। नहीं, भाजपा भी जीती है, अधिकतर जीती है, मगर इस गढ़ को धीरे 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 टूट रहा है, लोगों का विश्वास हट रहा है, क्योंकि उन्होंने हमेशा हर बार चुनाव के पहले एक नया नया झूठे वादा करके लाते हैं और जनता को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं, तो जनता अब कितना बार दिग्भ्रमित होंगे? अभी फर्क पड़ेगा? नहीं, मैया योजना देखिए भीख नहीं, कर्म चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भीख देने पर विश्वास नहीं करती है, कर्म देने पर विश्वास करती है। 1000 में कितना दिन चलेगा? आप लोग गोगो दीदी योजना क्यों लाए? 200 रुपया गोगो ने दीदी मैया का अगर तुलना करें तो गोगो लाया है, मगर भारतीय जनता पार्टी गोगो के साथ साथ हर महिला को स्वावलंबी करने पर विश्वास करती है, हर महिला को सुरक्षा देने का काम करती है। जब आप 1000 रुपया का विरोध कर रही हैं तो 100 रुपया भी आपको नहीं लाना चाहिए? तो जो गरीब परिवार है जिसको ज़रूरतमंद है उसको दिया जाएगा, नहीं जो देखिए जो नीडी है, जो ज़रूरतमंद है उसको ज़रूर से ज़रूर मिलना चाहिए। और उसके बाद ये नहीं खाली गोगो दी योजना का नहीं है, उसके बाद उस महिला को कर्म देकर उसको स्वावलंबी बनाया जाएगा। आपके क्षेत्र में बहुत सारी जो है कहते हैं जो आदिवासी बालिका हैं
उनका जो है बहुत ज़्यादा जो है शोषण होता है, क्या कहेंगे इसका? इसमें सरकार को पहल करना चाहिए। वर्तमान जो सरकार है, इस सरकार में महिला पर अत्याचार एवं बलात्कार बढ़ा है। सरकार इस कठोर कार्रवाई करना चाहिए। सरकार आंख बंद करके है, इसीलिए इस तरह का घटना का अंजाम दे रहा है। और हम लोग महिला अभी कमर कस लिए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम है रेनू देवी। मैं कांके की रहने वाली हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपका माध्यम से मेरा जो रेनू देवी का जो मांग है वो वहाँ तक पहुँच जाए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या मांगे हैं? हम लोग को कांके विधानसभा से हम लोग को अंजू देवी विधायक चाहिए। महिला कोटा चाह रही हैं? एकदम महिला होना चाहिए। कांके विधानसभा तो बीजेपी का एक छत्र राज रहा, क्या लगता है कि जो समरी लाल काम नहीं किया है? नहीं किए हैं, लेकिन वैसा तो नहीं है। लेकिन हम लोग का अंजू देवी है जो, वो हम लोग को 24 घंटा, जैसे कि हम लोग फ़ोन भी करते, कुछ भी मुसीबत होता है तो आके एनी टाइम खड़ी हो जाती है और हमेशा साथ देती है। और कुछ भी हम लोग बोलते हैं उसको सुनती है। महिला है तो महिला का बहुत अच्छी तरह से समस्या को सुनती है और रखती है। और बहुत सारे हैं ऐसे कि हर एक पार्टी आए गए, सब कुछ है ठीक है, लेकिन हम लोग को विधायक में ये अंजू देवी ही चाहिए। हम लोग हर एक समस्या का सोल्यूशन करके निकालती है। टिकट मिलेगा? मिल जाए, एकदम मिलेगा। जो जैसा करते, अभी तक टिकट नहीं मिला तब तक ये नहीं बनी है वहाँ का विधायक, तो अभी बहुत कुछ कर रही हैं। मैया योजना को लेकर के बड़ी चर्चा है, क्या कहेंगे इसका? वो अपना जगह में है, मैया अपना जगह है, हमारा तो गोगो आ रहे हैं। फर्क पड़ेगा महिला देगी वोट? नहीं, एकदम फर्क पड़ेगा। 1000 देने से क्या होगा? रोजगार चाहिए, 1000 देने से क्या होगा बताइए तो पहले। हर एक घर में हम लोग 200 रुपये लागू कर दिए हैं, वो क्यों की? ठीक है किए, ठीक है वो अपना, लेकिन हम लोग का जो भी है विधायक वो हम लोग का काम करे। हम लोग को चाहिए, हम लोग का अपना काम चाहिए। 1000-2000 से नहीं हम लोग का चलने वाला है। हम लोग हर एक घर में रोजगार चाहिए, बस रोजगार है सब। लक्की देवी नाम है मेरा। लक्की देवी काके गांधीनगर से आई हूँ मैं। किसको जा रही है इस बार टिकट मिले? अंजू देवी को चाहिए। लगता है कि इस बार जो है भारत के प्रधानमंत्री जी कहे हैं कि महिलाओं को 33% आरक्षण दे रहे हैं, तो झारखंड विधानसभा में मिलना चाहिए। जरूर मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, इसके बहुत जरूरी है। काशी में कितना महिलाओं को टिकट मिला जी? इनको तो मिलना चाहिए कि बिना बने हुए इतना काम कर रही है हम लोग के लिए। और जब वो बन जाएगी तो क्या करेगी? बहुत सारा काम ऐसा करेगी जो हम लोग के लिए ज़रूरी है, हर चीज़ के लिए।